पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है, और हमने तीन सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है, पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन पे किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे, क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल, जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास। जवाब नहीं मिला, हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है, और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। ये पेगासस जो है, ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है, तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की भी हम सुनना चाहते हैं, क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है। क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल, इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू डू स्नूपिंग यूजिंग पेगासस। तो वी वुड लाइक टू नो व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एन इलीगल एक्ट। ही इज नॉट अबव द नेशन, ही इज नॉट अबव द इंस्टीट्यूशंस। वाज दिस इंफॉर्मेशन दैट वाज कमिंग, जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था, ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस, सो वी विल फॉलो दैट ऑल्सो। मैंने अभी बोला कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लैरिटी क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इस पर ये आक्रमण है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, दिस इज अ एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री। ये जो आपको एक प्रकार से म्यूटेड ऑपोजिशन दिख रही है, इसका ये कारण है। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है, और ये एक दो लोगों ने मास्टरमाइंड किया है, और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर ये आक्रमण है। और ये उस आक्रमण का एक तरीका है, अलग अलग तरीके भी हैं, जिस प्रकार से ईडी को यूज़ किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज़ किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब एक सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको ख़त्म करने का।